हम सभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने व उनकी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। जप, ध्यान, मंत्र के जरिए हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हम जो जप करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको जप के प्रकार के बारे में बताने वाली हूँ। मंत्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्र करने के 3 प्रकार हैं। पहला है वाचिक जप, दूसरा है उपांशु जप और तीसरा है मानसिक जप। वाचिक जप, वाणी द्वारा सस्वर मंत्र का उच्चारण करना वाचिक जप की श्रेणी में आता है। दूसरा उपांशु जप, अपने इष्ट भगवान के ध्यान में मन लगाकर जुबान और होठों को कुछ कंपित करते हुए इस प्रकार मंत्र उच्चारण करें कि केवल स्वयं को ही सुनाई पड़े, ऐसे मंत्र उच्चारण को उपांशु जप कहते हैं। तीसरा है मानसिक जप, इस जप में किसी भी प्रकार के नियम की बाध्यता नहीं होती है। सोते समय, चलते समय, यात्रा एवं किसी भी कार्य को करते वक्त भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक जप सभी दिशाओं एवं दशाओं में किया जा सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।